हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पर जो ये कटिंग है उस पर हम लास्टिक लगाएंगे, तो किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। और इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी हूँ और साथ में मैंने इसको स्टिच करके रख लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सब जॉइन करके रख दी हूँ। तो अब यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे, तो कैसे लास्टिक लगाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको ओपन करके रख लेना है और उसके बाद हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से ओपन कर ली हूँ। और यहाँ से कहीं से भी आप इसको ऐसे फोल्ड करिए, इस तरह से फोल्ड करिए, या फिर आप सिलाई करते वक्त भी कर सकते हो। ये एकदम बिगनर के लिए है जिसको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर लास्टिक लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आपको एक बार सिलाई कर लेना है। आप देख रहे हो करीब आधा इंच तक मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और उस पर एक सिलाई इस तरह से लगा लूंगी। इस तरह से सभी जगह पे सिलाई लगा लेना है अच्छे से। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर जो है सिलाई लगा ली हूँ, सभी जगह पे एकदम राउंड सर्कल में सिलाई लगा ली हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सिलाई कर ली हूँ और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। अगर आपने सिलाई नहीं किया होता तो आपको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना होता। तो अभी हमें ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम लास्टिक ले लेंगे। लास्टिक में आप देख सकते हो मैंने कितनी लंबाई तक ली हूँ, ये लास्टिक मैंने ले लिया है। और यहाँ पर इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, तो ये कुछ 30 का है, देख सकते हो आप। तो यहाँ तक आपको ले लेना है और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अच्छे से सिलाई कर लेना है जिससे ये ओपन ना हो। तो इस तरह से ये मैंने लास्टिक को जो है ज्वाइंट कर ली हूँ, देख सकते हो आप। इस तरह से आपको भी ज्वाइंट कर लेना है लास्टिक को। अब इसको हम सिलाई करेंगे, इसको इस तरह से रख लेना है और इस पे कपड़े पे ऐसे हम रख लेंगे और इसके बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। और देखिए मैंने पहले से ऑलरेडी सिलाई की हूँ इसलिए इसको हमको इस तरह से फोल्ड करके नहीं सिलना, हमको सिंपल इस तरह से रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। आपको सिलाई लगाते वक्त ध्यान देना है कि लास्टिक पे सिलाई ना आए। तो इस तरह से हम रख लेंगे अच्छे से और यहाँ पर आरी आरी से हम सिलाई लगाएंगे। देख सकते हो आप मैं किस तरह से लास्टिक लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरा सर्कल से लास्टिक लगाना है। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो सिलाई कर रही हूँ तो लास्टिक अब छोटा पड़ रहा है, तो हमको इस तरह से लास्टिक को ऐसे कपड़े को घसका लेना है। इस तरह से जब हम घसकाएंगे तो लास्टिक हमें थोड़ा सा मिलेगा और उसको हमें फिर से इसी तरह से लास्टिक पे ऐसे कपड़े को रख लेना है और फिर सिलाई करना है। इसी तरह से आपको फिर से दोबारा ऐसे करते हुए सिलाई कर लेना है पूरा सर्कल तक। तो आप देख सकते हो मैंने ये सिलाई कर ली हूँ और इसको ऐसे हम घसका लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा है और उस साइड थोड़ा कम था, तो इसको हमको ऐसे घसका करके लेवल पे ले लेना है अच्छे से। इस तरह से घसका लेंगे हम। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको लेवल पे ला ली हूँ। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाना है। सबसे पहले इसको अच्छे से रख लेंगे और सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है लास्टिक को हम खींचेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से खींचते हुए आपको सिलाई करना है, आपको सीधा सिलाई नहीं करना है। इस तरह से खींचते हुए सिलाई करोगे जिससे आपका धागा जो है टूटेगा भी नहीं और अच्छे से ये बैठ भी जाएगा और पहनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको यही सही सिलाई कर लेना है और इसी तरह से खींचते हुए
पूरा सर्कल में हम सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सर्कल में पूरा सिलाई कर ली हूँ। यहाँ पर इसी तरह से हम एक और सिलाई करेंगे नीचे के साइड में। तो यहाँ पर अच्छे से रख लेना है, सेम वैसे ही हम सिलाई करेंगे जैसे ऊपर किए हैं। इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए ही हमें सिलाई करना है, इस तरह से खींच के रखना है और जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे आपको इस तरह से खींचते हुए पूरा सर्कल में सिलाई कर लेना है। इस तरह से ये दूसरा सिलाई जो है वो भी लग करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक जो है यहाँ पर अंडरवियर में लगा लिए हैं। इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमने इलास्टिक लगाया है और दोनों सिलाई भी लगा ली हूँ। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर जो है इलास्टिक लगाना सीखे हैं। तो इसी तरह से आपको भी लगा लेना है इलास्टिक को। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इलास्टिक लगा लिए हूँ, इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आते रहती हूँ। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।